हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेफ गैलरी। और आज मैं लाई हूँ फालूदे की सेव की रेसिपी, जो कि हम ज़रूर बनाना चाहेंगे हमारे इस रमज़ान में। तो यहाँ पर मैंने एक वेसल के अंदर एक कप कॉर्नफ्लावर ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी डेढ़ कप ऑफ वाटर, पानी डालना है डेढ़ कप हमें। और हमें इसमें डालना है डेढ़ टेबल स्पून शुगर, डेढ़ टेबल स्पून हम शुगर डालेंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। ये जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनती है, जिस तरह की हमें रेस्टोरेंट्स में फालूदा मिलता है उसी तरह का सेव बनता है, सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनता है। ये जो मैं बनाने वाली हूँ नूडल मेकर में, यहाँ पे मैंने छाँचा लेकर आ गया है बनाने के लिए। आप चाहिए तो इसे कैचअप वाली बॉटल जो आती है स्क्वीज़ करने वाली उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उसके जो नूडल्स जो है वो थोड़े मोटे बनते हैं, लेकिन इसमें जो है मेरे पतले पतले बने हैं नूडल्स, बहुत अच्छे बनते हैं सेव हमारी। और उसमें अगर आप कैचअप वाली बॉटल बनाएंगे तो थोड़ी मोटे बनेंगे, लेकिन वो भी सेम अच्छा ही टेस्ट आता है, उसे सॉफ्ट बनते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने सब मिक्स करके जो गैस पर रख दिया है और कंटिन्यूसली हमें इसे चलाते रहना है, स्टर करते रहना है, मिक्स करते रहना। देखिए ऐसे लम्स बनने के बाद में हमें क्या करना है, हमें अपने जो फ्लेम को एकदम स्लो कर देना है और फिर कंटिन्यूसली हमें इसे मिक्स करते रहना जब तक ये पूरा एक लम्स जैसा नहीं बन जाता, तब तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। ये देखिए अच्छा पूरा लम्स बनना शुरू हो गया है। अब जब हम अपने गैस को बंद कर देंगे और ये देखिए ये ऐसे ग्लू टाइप में बन गया है। अब जो है हम इसे अपने जो हमारा नूडल मेकर है, हमारा जो सेफ मेकर है, उसमें हम इसको डाल देंगे। और जो है इससे हम यहाँ पर हमने ठंडा पानी जो ले लिया है और जिस एकदम आइस चिल वाटर लेना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो इसको तो ठंडे पानी में डालते ही ये एकदम फट से सॉल्ट बन जाता है, तो आपके नूडल्स जो है वो टूटेंगे नहीं और अच्छे एक थ्रेड लाइक में बनेंगे। तो एकदम आइस कोल्ड वाटर लेना है हमें, एकदम ठंडा पानी में आइस को जो हमें डाल देना है। तो देखिए हमारे नूडल्स एकदम परफेक्ट बन चुके हैं, इतने अच्छे बन रहे हैं, आप देखिए बहुत ही बनाने में मज़ा आता है इसे एक्चुअली। तो हमारे यम्मी फालूदा सेव जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे अच्छे पिस्ता फालूदा और रॉयल फालूदा, अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स वाले फालूदा बनाइए इस फालूदा सेव की रेसिपी से, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल शेफ गैलरी को। और हमारे चैनल में और बहुत सी रेसिपीज हैं, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।